पिपर धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार औ निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गौ पार। माई माई ए माई कमरिया लचक के ई कहां जमीन मुड़े पे आसमान घोड़े तरे रौंदे चले आवत है। अरे मुलंगिया बात ऐसे एक सुन में तोर गोल आसमान पर और सर धरती पर सादा तैयार करे लागे। अरे भैया के बेटवा हुआ है बेटा भैया के बेटवा हुआ है ई ना हो सका हां कह रहे हो सका ई ना हो सका। अरे गुरु तो गए काम से लागत यार सोरे सोरे भन चढ़ा क्या हो। अरे भैया तो बलुआघाट प्रधान के इलेक्शन के चुनाव के गिनती करावे गए हैं उन्हें कैसे बिठा सकते हैं। अबे अबे अकल के दुश्मन भौजी को बेटा हुआ है भौजी को भौजी के बेटा हुआ है यानी कि हम चाचा बन गए। अरे तैना हम चाचा बन गए। तू चाचा बन गए तो हम काका बन गए। छोटे का शोर मचा रखा है। अरे माई 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 बौरा गए हो का रामपुर से संदेश आवा है कि तू दादी बन गयो भौजी को बेटा हुआ है बेटा। सच बड़े का खबर मिली बस अब गए और अब आए भैया का खबर सुनाई के। जा जल्दी मुलंगी तय का कर रहा है खड़ा खड़ा जा गांव पड़ोस में खबर कर। और हाँ मुनीम जी का कहो कि बाजा गाजा और सब बंदोबस्त कोई का चाहिए। बस मालकिन हम अब भैया गए और अब भैया आए। हाँ जा जल्दी काका बन गए हम काका ही आ जल्दी। जी मालकिन जा गांव की बड़ी बूढ़िन के कहो कि सोहर गावे के बा बहू के बेटा भवा है। जी मालकिन अब जा रहे हैं। जा जल्दी। प्रभु एक खुशखबरी और सुनाई दे बड़े प्रधानी का चुनाव जीत जाए। अरे 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 बुधई रे महिलाटन अजरा यहां आ रही काका हो काका। अरे देख देख बचवा लगता है बड़े मालिक प्रधानी के इलेक्शन जीत गए। अरे अरे अब तू खड़ा होके हम आदमी क्या देख रहे हो जल्दी से जाके चौकियों की लगी अभी छाओ। अरे लौटन लौटन तू कहां गया रे। अरे बचवा जा दौड़ के नदी से एक बाल्टी पानी भर के ला जा जा जल्दी जा जल्दी जा। अरे बस करा भाई बस करा बहुत हो गई नारेबाजी करा सूख गा होई आ पानी वाले पिया। बधाई हो बड़े मालिक बधाई हो। केवल बधाई से काम नहीं चलेगा काका आशीर्वाद भी देना होगा। अरे अरे बड़े मालिक आप ही काका हो हम तो आपके नौकर हैं। नौकर बाद में पहले काका और काका अपने भतीजा के आशीर्वाद न दी है तो के कर दी है। चुग चुग जिया बड़े मालिक चुग चुग जिया भगवान तो के प्रधानी से भी बड़ा पद दे मालिक बड़ा पद दे। आवा मालिक आवा मालिक आवा। आज 15 साल बाद बड़े मालिक का रुतबा ये घर में लौटा लो ऐसे बड़ी खुशी और का हो सकेले। बैठ बैठ मालिक। अरे लौटन लौटन सबके मिठाई उठा के लिए पानी पिला भाई। बात तो सही है बड़े चौधरी आपके बाबूजी के बाद प्रधानी का पद तो अपने पूर्वा से निकल ही गया था लेकिन वो तो आपका दमखम है कि प्रधानी का पद दोबारा अपने गांव में लौट के आया है। ये हमार दमखम नहीं आप सबका प्यार था सरजी भाई। हाँ भैया गजेंद्र सिंह को हराना बारापुरवा में किसी के बस की बात नहीं थी। अरे हम तो डराते हैं भैया कहीं गजेंद्र सिंह बूथ कैप्चरिंग ना कर ले। अरे तो हम किस मर्ज की दवा है अगर वो हमारा बूथ कैप्चर करते हैं तो हम खुद ही उनको कैप्चर कर लेते हैं। अरे छोड़ा ये सब बात आप भी कहां की बात लेके बैठ गए। ला पानी वाली पिया भाई। और गोपाल काका सब ठीक चल रहा है ना। हम तो 10 दिन से चुनाव के चक्कर में ऐसे फंसे कि बस पूछो मत। भट्टे का कैसे बचा रहे हैं। जमुना के शास्त्री पुल के ठेकेदार ने 500 ट्रक ईंट मंगवाए थे अब मजदूर की कमी के नाते 200 ट्रक ईंट भेज पाए हैं। तो मजदूर और बढ़ा लो। जी हाँ। और हाँ काम दिन रात चले दो। जी। अरे ये इतना बड़ा ठेका है एक दिन भी लेट होगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जी अच्छा। ए बुधाई राम उलटन बंद करा सब काम धाम आज तुहार सब लोगों का छुट्टी पर चिंता मत करा तुहार से मजदूरी पूरी मिले। ए छोटे बोरा गए हो का। हाँ भैया आज तो हम सचमुच बोरा गए हैं जी करता है झूम के नाचो गाओ और अपने साथ सारा गांव सवार रचा दो। ऐसी कौन सी खुशी की बात है छोटे मालिक तनी हम हूँ लोग तो जानी। अरे लोटन खुशी की बात ऐसी है कि तू सुनबा तो लोटा लग गया। अब कुछ बताओ बाबे कि सरफरी बके जाएगा। भैया बात यह है कि समझ लग कोठी अजोर हो गवा। मालिक घर में बिजली आ गई का। अबे वो तो पहले से ही है। भैया रामपुर से सनेसा आवा है कि हाल चाल सब ठीक है चच्चा भी और बच्चा भी। जच्चा भी बच्चा भी का बकवास कर रहा था ठीक ठीक बताओ ना।
भैया हम चाचा बन गए। चाचा 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 बधाई। ये गुरु एक आए बे लड्डू, एक तो तू खा ले, एक तो हम खाली हाथ ससुराली जाएंगे तो बहुत एक नामी होगी। लड्डू तो ऐसे बांट दिए जैसे तीरथ करे जा रहे हो। अबे मुलंगिया, कल जुग में ससुराल ही तीरथ है और सड़वान सरक लोग, मगर तय का जन्मे। अबे तय कुमारा है ना, चल भौजी के गांव मिठाई के पूरी बाजार खरीद ले। का पूरी बाजार? हाँ पूरी बाजार। ठीक है गुरु। ए हलवाई काका, का हो? पूरे बाजार की मिठाई तौल दा। का पूरे बाजार की मिठाई? हाँ, और शर्त ई है का? कि जे केहू दूसर के मिठाई बेचे, हाँ, हम ओकर मिठाई ना खरीद। हाँ, अरे कंगुआ, अरे लखना, अरे दौड़ के जा रहे, अरे सब दुकान के मिठाई तौला के ले आ। और हाँ, अरे एक भी मिठाई कोनो ग्राहक के ना बिके के चाहे। अरे जा रे जा। अरे ये कैसे जा, तने 2 किलो रसगुल्ला तौल दा। अरे बिटिया, अरे रसुआ तो बा, गुल्ला बिकाई गवा। का मतलब? अरे मतलब ही कि सारे बाजार का मिठाई बिक गवा, अब कुछ नहीं बचा। हद हो गई, जेकरी दुकान पे जा ई है जवाब। अरे भला जा नहीं तो कहां के नवाब है जे पूरी बाजार खरीद ली हन। अरे बिटिया, वो जीप में बैठन बाबू, सारे बाजार का मिठाई खरीद लिया है। ठीक है, खरीदे हुई है, मगर हमका तो 2 किलो रसगुल्ला चाहिए बस। और वो तू तौल दा। देखा बिटिया, 2 किलो रसगुल्ला के खातिर हम 100 किलो मिठाई के काटा नहीं सब। हाँ, घाटे से डरो थो, मर बात घाटे पे ही जाएगा। हाँ समझी, और ओका तो ऐसी की तैसी, बड़का लाट साहब होई तो अपने घर का। हाँ जाई दा, डगर चलो के वो काहे लागत हो। ओकरे मुंह लगे हमार जूती, हम तो ओकर अकर ढीली कई के रहब, बाजार का ओकरे बाप का है। क्यों जी, का समझते हैं अपने आप को राजा बनारस या लखनऊ के नवाब? जी का मतलब? मतलब ई कि दमदना चले आए और पूरा बाजार खरीद लिए, हम लोग का खाएंगे माटी पाथर। अरे ना ना देवी जी, बिल्कुल नहीं। माटी पाथर खाए से पेट खराब हो जाए, खून में खराबी आ जाए, और खाए वाले के खूबसूरत चरहरा गुलाबी बदन फूल के पीला और पीपा हो जाए। अरे हम पीपा हो या पीपी, पियर हो या उज्जर, तो की का, हमका तो बस 2 किलो रसगुल्ला चाहिए, समझे? हलवाई हुआ बैठा है देवी जी, ऑर्डर देके बनवा लो। कारे बोला गया, मिठाई लग गए? हाँ गुरु एकदम लग गई। चला चले देवी जी। हाय दैया, बदतमीज कहीं का, लोफर कहीं का, अरे हमका आंख मार के गवा। अरे तोरी जीव सड़े, अरे तो टायर पंचर होए, कीड़ा पड़े मिठाई में। अरे बस बस बस, अब गुस्सा थूक दे, फिर जाने थे तुहार गुस्सा बहुत खराब है, और फिर चील के मनाए डांगे ना मरद। अच्छा चल हवेली चलाई कबा। प्रणाम भाई साहब। मनीराम भाई, चल पान कर। जल जल पान तो हुई जाए, रहुआ बैठी, अभी सब जिम्मेदारी हमार है, तो वह मेहमान के देखे। आओ भाई देवी शरण, बंदूक ही दागते रहोगे कि नाश्ता पानी भी करोगे? नाश्ता पानी भी करो भाई साहब, कसम काशी विश्वनाथ की, ठकुराने में नाती हुआ है उकर खातिर बंदूक तो का, हमरा बस चले तो तोक भी दाग दे। हाँ भाई कहे ना। बधाई हो। ए प्यारे मिठाई उकर लाओ। मालिक ये गोली बंदूक से हमको बहुत डर लागत है। डरपोक कहीं का, एक ही फायर में हवा निकल गवा, अगर दूसरा फायर कह देते तो का होता। चला गुरु, पहुंच गए ससुरारी।
काय लागो बाबूजी? नमस्कार। खुश रहे बेटा, कल से ही रास्ता निहारत रही। बाबूजी हम तो अभी आ रहे हैं, हमार मन तो मुन्ना का जन्म सुनते ही आए गवा रहा। हाँ हाँ बेटा, बात ही ऐसा है। और मुलंगिया जी, और का हाल है? आपके आशीर्वाद से जियर जियर बा मालिक, बाकी जो कुछ कमी है वो प्यारे भैया पूरी कर दिए। कहो प्यारे भैया, काहे न पूरा कर, तुम्हारे बाप का ससुराल है। इला भाई उलंगी जलपान करो, बहुत कमजोर हो गया ना। पानी 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 का बोला, अटक गई का? छोटे बेटा इनसे मिला, ये हमारे गांव के बहुत बड़े आदमी हैं, ठाकुर देवी सरन सिंह जी। और भाई जी ये हमारे बिटिया के देवर हैं, छोटे चौधरी। अच्छा अच्छा, पढ़ा लिखा था के व्यापार बिजनेस कर? अभी तो पढ़ाई ही चल रही ठाकुर साहब। हाँ, आईपीएस के ट्रेनिंग में जाए के तैयारी है। आईपीएस की ट्रेनिंग? ये हुई ना गर्व की बात, कसम काशी विश्वनाथ की। आजकल के लड़का ब्याह के खातिर पढ़त है, ब्याह हुआ नहीं कि पढ़ाई बंद। बाबूजी ठीक है बेटा, जाओ भीतर जाओ। ये लड़का तो बूढ़ा बिटिया के लिए हीरा है हीरा। देखा देवी सरन जी, भतीजा देखे के लिए कैसा व्याकुल होत रहे बबुआ। काय नहीं होगा, अपन भूल गए बिटिया पैदा हुई थी तो रात के अंधेरे में ही ससुराल भाग गए रे। अरे बड़ो यार, बुढ़ापे में भत करवाओगे क्या? चला माफ किया। एक बात है भाई साहब, ये लड़का तो हीरा है हीरा, एक शादी हुई गई है का? तो ये बात है, बूंदा बिटिया के बारे में सोचत हो, जोड़ी तो बहुत सुंदर लगी, मगर उसा बिटिया बतावत रही कि छोटे का बिया आईपीएस की ट्रेनिंग के बाद ही करी है। ओकर चिंता ना है भाई साहब, ये शादी मान ले बस। ओकरे खातिर तो है बड़े चौधरी से मिले पड़ी। मिला भाई जरूर मिला, यही बहाने जवाई बाबू से मुलाकात भी हो जाए। बिटिया की ब्याह में दूल्हा बन के आए रहिन तभी देखे रहे। अरे तब तो बच्चे थे, अब तो गांव के प्रधान हो गए। गांव के प्रधान। खुश रहा बबुआ, और का समाचार है? सुना है बड़े बबुआ प्रधान हो गए। हाँ अम्मा जी, ये सब आप लोगों के आशीर्वाद का फल है। अरे बेटा प्रधान तो हो ही गए, पर ही बड़ा हित मुद्दे वाला काम है। उनका तो आज तोरे साथ यहाँ आवे के रहा। आवे के खातिर तो एकदम तैयार थे बड़े मालिक। अरे तो फिर का बाबा? अरे वो प्रधानी का इलेक्शन, बिल्ली की तरह रास्ता काट गवा। बल्कि भौजी का है, दिखाता है। अरे अंदर है मुन्ना के पास, जा अंदर। अंदर दीदी आवा बिब्बो बूंदा, बड़ी जल्दी आ गई। ओ खाली हाथ, काल तो कहते रहो दीदी रसगुल्ला लेके आओ। अरे वही तो खरीदे खातिर बाजार गई रहे, मगर पता नहीं कहाँ से लफंग आए गवा और पूरी बाजार की मिठाई खरीद ले गवा। अरे मिठाई लड्डू बर्फी ले गवा, होए रसगुल्ला ही लाए होते ननन जी। खाक बच्चा सारा रस छोड़ गवा और गुल्ला ले गवा। अरे ननन जी थोड़ा रस ले आते। भौजी रस खाए के इतना ही शौक है तो चला घसीटा हलवाई की दुकान दिखाई दे। लेते रहो बैठ के रस। मिठाई वाला रस पीलेगा भाई ननन जी, अब तू बतावा ना बतावा। नाम ना लो वो लफंगा का, पता नहीं कहाँ से आई टपका, 2 किलो रसगुल्ला नहीं दे सका लोफर कहीं का। जी में आवत है कि ओकर मुंह नोच ले। लो हम हाजिर हैं। तो अब लोच लो, वो भी हाजिर है और बंदा भी। तो यहाँ भी आ पहुँचा दीदी, यह है वो लफंगा। लफंगा पाए लगी भौजी। खुश रहा भैया, घर में सब ठीक है? हाँ घर में सब ठीक है, सब बड़े मजे में है। अम्मा मजे में है? एकदम मजे में। बिब्बो इनके बात का बुरा मत मनिया, ई है छोटे चौधरी हमार नटखट देवर। और भौजी ई तुहार नकचड़ी बहन बा। का बोलिया नकचड़ी? ना नकचड़ी तो सर चढ़ी, नीम चढ़ी, करेला चढ़ी, बासी कड़ी। तू कैसन रही टक्कर, कहीं दिल विल में चोट तो नहीं लग गई? अरे क्या भौजी ई का ले हमसे टक्कर, बड़े बड़न की अंगुरी पे नाच नचाए हम, फिर इनकर का भी साथ हो। अच्छा तो ई बात है तो लग जाए बाजी। हाँ हाँ तो लग जाए दा बाजी, हमार बिब्बो भी पिछड़ने वाली ना है छोटे चौधरी। पिछड़ा वाला तो हम भी ना है, चाहे तो आप भी जोड़े में आ जाओ।
तो ठीक बा, आज रात के प्रोग्राम में हो ही जाए दो सवाल जवाब, मगर ये ध्यान रखा छोटे चौधरी, जो हार जाए उसे जीतने वाले की गुलामी करेगा पड़े। हाँ हाँ, जिंदगी भर लग जाए ये बात पर बाजी, जगह दे दू। अरे बाप रे, बच गई टक्कर। अरे टक्कर का खास बची, तू देखा सामने से खतरा उस खतरा। अरे कहाँ है खतरा? अरे मालिक 440 बोल रहे हैं। अरे पप्पा, अरे पप्पा, ये का फरार है जी, भड़का के तितर बितर कह दिया हमार गाय भैंसों का। वाह जी वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक तो बीच रास्ते मवेशी खड़े कर दिए, ऊपर से टपर टपर किए जा रही हो। काहे नहीं करूंगी टपर टपर, ई चरागाह है बबुआ, और यहाँ मोटर गाड़ी के आवे जावे की मनाही है। अच्छा, अरे जाए तो जवाई बाबू, अरे काहे खाम खा काटा में उलझ रहे हो। चबे, बहुत जोरदार कानून है तुहार, वैसे यहाँ एक साइन बोर्ड लगा दो कि बाहर से आवे जाए वाले के मनाही है। हम तो यहाँ आ गए हैं, चाहे तो जुर्माना लगा लो। दीदी की देवरों यह खातिर माफ कर दिया, धन्यवाद। वैसे एक मुफ्त की सलाह दे देवी जी, आपने गैया भैंसिया बांध के रखा करा। अच्छा बस, बात हुई गवा झगड़ा, आवे छोटे चौधरी तो है अपने बाप के खट्टे खट्टे टिकोरा खिलाई दे। अरे बृंदा रानी, ससुराल का खट्टा टिकोरा भी मीठा लागे। अच्छा, बड़े तजुर्बे का लागे तो छोटे चौधरी आवा चला। ए! नहीं चला जी, धकेल दे तालाब में। हिलल हिलल रे भाई, क्या पानी में। हिलल हिलल रे भाई, क्या पानी में। हिलल हिलल रे भाई, ससुराल के टिकोरा है। अरे जीप कहाँ गए? जीप आई हूँ, देखा जवाई बाबू जीप तलाव में पानी पी है क्या? अरे अरे बोले क्या? दौड़ 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 कहाँ है छोटी चौधरी? तू ही तो कह रहे कि बांध के रखो, सो बांध दिया। अब एक मुफ्त की सलाह दे, निकाल ला जीप पानी से, जा भाई। अरे मुलंगिया आओ, चला प्यारे भैया, हाथ लगा चला। अरे मारे मुलंगिया, धक्का खा खा मोटा अकेल पटे मार। ओ रमा पानी मा इमरती, नादिक दिन ना, नादिक दिन ना, नादिक दिन ना, नादिक इले मुन्ना की छोटे, ये जीप को कहाँ हुई गवा? काल तक तो अच्छी भली रही। अरे भौजी, ये बेचारी तो हमेशा अच्छी भली रात है, मगर ये मुलंगिया है ना, एका अच्छी भली राह दे तब ना, ससुरे का दिमाग कहीं और रात है और आँख कहीं और, गड्ढा जीप में फाट पड़ा। का गड्ढा जीप में फाट पड़ा? हमार मतलब है कि जीप गड्ढा में गिर गए। अबे तेका खिखी के करते, चल बैठ सामान रख। अरे सामान तो कब का रखाई गवा है? अरे तो हार ठोक भी बंद हो जाए तो चल दे। हाँ, कौनो कसर रह गया है? हाँ, तो मुलंगी भैया के गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ा दीजिए ना। हाँ, गाड़ी अपने आप थूक जाए। हाँ गुरु, साले साहब की बात जरूर मानिए। हाँ, चम बैठ। हाँ, बैठ गए। अरे साले साहब, तुम कहाँ बैठ रहे हो? है? क्या? है? साले साहब, तो फिर हमका साला कहे? अब ले। अरे साले के साला ना कहे तो क्या घरवाला कहे? देख मुलंगिया, हम तो हमका 100 बार समझा दिया है, ये रिश्ता जो है ये मालिक लोगन का है, हम नौकर लोगन का नहीं। ना तू हमारा साला, ना हम तुम्हारा साला। प्यारे भैया बोला, इमरती भौजी के साथ ले चला ना, काहे ना? अरे मजा आई। चुप, उबा देर कर रहे। खुश रह बेटा, पंडित से साइत निकलवा के ही बिटिया के बुलवाई है। हाँ हाँ, जीत रहा। हाँ हाँ बेटवा, जल्दी बाजी मत करिया, चाहे साइत 2-4 महीना बाद निकले। 2-4 महीना? अरे ना अम्मा ना, इतने दिन में तो भौजी के बिना हमारे घर में अंधेरा छा जाए, और अब तो ये बुन्ना भी आ गया है। ले 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 मेरा बेटा, ले ले ले। भौजी के बिना ना घर में अंधियार होए। हाँ, तुहार बदमाशी जरूर बंद हो जाए, हमरे बिना तो है भैया से बचाए के। ला मुन्ना हमको दे। अरे ऐसे मत भगा भौजी, जाते ही तने मुन्ना का खिलाए ले दिया। तेज हो जाए, ला मुन्ना हमको दे। अरे धूप, हाँ धूप छाव तो जिंदगी में लाग रहा था, इन्हीं का नाम तो जिंदगी है, मगर लोग समझे तब ना। अब छोड़ा ये फिलोसफी बघा रहा, मुन्ना हमको देखे जीप में बैठा। अरे अरे भौजी, तेरे खिला लेता है, आखिर हमारा भतीजा हो। चला चला चला। अच्छा अच्छा, जाते है। खुश रहिया, पानी पानी पिया था। का पानी पानी
पानी हाँ पानी पानी रुका अब हम ले आओ थे रुका अब सवार प्रणाम भौजी मुलंगिया फिर धोखा दे गया अब आपकी नहीं छोड़ अरे बिब्बो थोड़ी देर पहले आ जाती तो छोटे से भेंट हो जात तो का छोटे गए हाँ अभी अभी तो गए हैं अरे बिब्बू तू का बात बाप कौन आई है फिर इतना तेज भाग के कहाँ जाता हो कहीं नहीं तो से का मतलब हम कहूँ भी जाए हम समझे कि तू हमसे मिले आए रहो काहे तोरे में सुरखा की पर लाग बा ये हमार गांव हो हम कहूँ भी आई जाए तो से का मतलब हाँ गुरु हमरे समझ में टीवी के योगा अभ्यास प्रोग्राम के इंटरव्यू के तैयारी में लगी है ऐसी बात है का फिर तो माने के पड़े भैया इनका दौर बहुत बढ़िया बा हमार का बढ़िया है का खराब ओका ठेका छोड़ दा और अपन डगर नापा हम चले गुरु लागत बाग बराबर की लागी है तीर चले तो ऐसे ही चले का मतलब अरे चला घर गुरु मतलब बाद में निकल आई चला खुश रह आई गयो तो दो दिन से रास्ता निहारे थे गए तो आवे का भूल ही गयो घर की चिंता हो तब न माई जहाँ जाए वहीं का होके रह जाते अच्छा ये बता मुन्ना कैसा है अरे माई एकदम चांद का टुकड़ा है चांद का टुकड़ा गोल मटोल अब गुड्डा जैसन मगर अबे बहुत छोटा है इतना सा अरे छोट तो हो भी करे तो हो कब इतना ही बड़ा रहे अच्छा ये बता मुन्ना कहे पर गवाह है तोरी भौजी पर या भैया पर हा? अरे माई का बात करत हो ओकर नाक मुंह कान सब छोट छोट कोट के बटन जैसे रहा आए कुछ समझ में ही ना आवा थोड़ के बड़ा हो जाए देख के बताओ चल पगला कहीं का तू का समझे थे मुन्ना बड़ा हो तक ननी हाल ही में रही है अरे जब आई है तो हम खुद ही देख ले अरे माई जब जल्दी है तब ना भौजी के अम्मा जी और बाबूजी कहे हैं कि शायद निकलवा के आया भले 6-7 महीना लग जाए ए माई कहा भौजी 6-7 महीना बाद आई है अरे तू ओके चिंता ना कर हम जल्दी ही शायद निकलवा लेवे सच हाँ अरे बाबू बोली सर यहाँ तो इनका जाने था मिल गया हाँ मालिक ये मलकिन भौजी के गाँव के हैं बहुत बड़े आदमी हैं अच्छा नमस्कार बाबू देवीशरण जी खुश राधा माध बाबू बैठिए बुलंगी हाँ बाबू साहब के लिए जलपान की व्यवस्था नहीं नहीं बिटिया के घर जलपान कराई के हम का काहे को दोषी बनावत हो ना ना जय सर आपकी इच्छा आज्ञा दे कैसे आना हुआ आज्ञा नहीं दामाद बाबू भाई रामपाल सिंह के आदेश पर एक बिनती लेके आए हम समझे नहीं ठाकुर साहब बड़े चौधरी हम अपने बिटिया के आपके घर की बहू बनावे के और छोटे चौधरी का दामाद के रूप में देखई के लालसा लेके आए हैं उम्मीद है आपको ये रिश्ता जरूर पसंद आए कसम काशी विश्वनाथ की दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर लगी मगर ठाकुर साहब ये विषय में अभी तक हम कड़ो विचार भी नहीं किए हैं अभी मत सोचे बेचारे का क्या बात है बड़े चौधरी आप हाँ कर दें तो हम तुरंत बरक्षा कर दें बात खत्म नहीं ठाकुर साहब छोटे बच्चा नहीं रहा बड़ा हो गया है और हम चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद करे कसम काशी विश्वनाथ की फैसला कौन होए फैसला बड़न के बीच होए के चाहिए और हाँ
अगर दान दहेज का बात हुई तो चिंता ना करा, जितना मंगवा ओ कर तुकना देव। ठाकुर मांगा नहीं करते देवी शरण जी, आज हम इतना ही कह सकते कि छोटे के ट्रेनिंग पूरी भाई के बाद हम आपके प्रस्ताव पर जरूर विचार कर। कसम काशी विश्वनाथ की, तोरा इतना ही आश्वासन हमारे लिए बरअच्छा के बराबर है। अच्छा आज्ञा दे। प्रणाम खुशरा बड़े चौधरी। ओम बिबाय नमः स्वाहा, ओम बिबाय नमः स्वाहा, ओम बिबाय नमः स्वाहा, ओम बिबाय नमः स्वाहा, स्वाहा चबे, ओम बिबाय नमः स्वाहा, स्वाहा चब ससुरा। अरे गुरु हवन कर रहे हो या वशीकरण मंत्र पढ़ रहे हो? सावधान हो जाओ, प्रेम की देवी प्रकट हो रही है। अरे 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 अरे, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे काय कर रहे हो मलकी मौजी की छोटी बहन जी? देखत नहीं हो गुरु अखंड तपस्या में लीन है। अरे ऐसी की तैसी तोहरे गुरु की और ओम बिब्बाय नमः स्वाहा, प्रेम की देवी प्रकट हो। अच्छा ओम बिब्बाय नमः स्वाहा, प्रेम की देवी प्रसन्न हो। अरे हम पूछा था ये सब कहाँ ढोंग हथुरा है जी, हमने ना पर कीचड़ छोड़ा था। ओम बिब्बाय नमः स्वाहा, प्रेम की देवी प्रसन्न हो। अच्छा ये सब राधा का बंद करा, नहीं तो ठीक ना होए। ओम बिब्बाय नमः स्वाहा, प्रेम की देवी प्रसन्न हो। अच्छा अब भाई हो थे प्रेम की देवी प्रसन्न। अरे ये कौन है जो हमारी साधना में विघ्न डाल रहा है? अरे बिब्बो तुम? हाँ हम पूछे थे क्या हो रहा है सब? तपस्या तपस्या देवी जी, कितनी मुश्किल से ध्यान एकाग्र किए थे, तुमने इस हवन कुंड में पानी डालकर हमारी तपस्या को खंड खंड कर दिया है, हमारी तपस्या का क्या होगा देवी जी? अरे ओ ब्रह्मचारी जी, साधना करे के लिए तो ही बेला देवी का मंदिर ही मिला है। अरे साधना करे का इतना ही शौक चल रहा है तो जाओ कौनो जंगल पहाड़ पर और जपो अपने प्रेम की माला, हमार नाम लेके हमको कहा बदनाम करत हो। अरे वो कहावत ना सुने हो देवी जी, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। वैसे भी इस जोगी की रट अब तभी टूटेगी जब इसे प्यार का वरदान मिल जाएगा। इस जन्म में तो ही प्रेम का वरदान ना मिली है बबुआ। हाँ ठेंगा जरूर मिली है ठेंगा। विश्वास ही प्रेम का दूसरा नाम है देवी जी, और प्रेम के वरदान में तुम्हें ठेंगा भी चलेगा, लेकिन तुम्हारे इस इनकार में इकरार छुपा हुआ देवी जी। छोटे चौधरी बस बहुत हुई गवा मजाक, अब भल मनसाही यही में है कि उठावा अपन प्रेम की दुकान और दफा हो जाए यहाँ से, नहीं तो का कह ले वो बताई बतावा बताई बतावा। देखत हो चौधरी साहब, तुहार पोता अपने घर आवा है, तुहार तीसरी पीढ़ी। मुन्ना बेटा अपने दादाजी का आशीर्वाद ले लो, एक अपना आशीर्वाद दो कि तुहार परंपरा आगे बढ़ावे, तुहार नाम ऊंचा करे। एक अपना आशीर्वाद का ऐसा कवच पहना दो कि कौन उन डाकू की गोली एक ही छाती छल्ली न कर सके। माई, माई, मत रो, गुजरा समय तो कबहू वापस नहीं आवत, मगर ऊ डकैतन का दल जो उन लोग हमरे बाबूजी पर धोखे से गोली चलाए रहन, अगर वो जिंदा है तो आज नहीं तो कल उनका सीना होए और हमार बंदूक। घरवर तो हम देखे हैं मनीरा, बहुत बड़ा परिवार है, जमींदार घराना है, हर केहू के इतनी हिम्मत भी ना है ऊ घर में अपनी बेटी ब्याह के। फिर तो दहेज भी खूब देवे के पड़े मालिक। अरे बिस्ना, दहेज की चिंता तो कंगाल करत है, हमरी सारी दौलत केकरे खातिर है? लई दे के एक ही तो बेटी है, कसम काशी विश्वनाथ की, हम भी कह दिया ललकार के कि मुंह खोल कर मांग ले दिल खोल कर दे दे। सही बात है मालिक, आप केहू से कम थोड़े ना है। यही खातिर तो हम कह दिए कि बारात गिन के मत लाना, डुग्गी पिटवा कर दावत देना, ऐसी बारात आए के चाहिए कि 10-20 साल तक जिला जवार याद रखे किसी ने अपनी बेटी भी आई है। भाई मनीराम जी, ई का देखत है, लागत है कामचोर हो गए हो, अगर हम यही पैदावार के सहारे बेटी भी आया तो हो चुका, 50 बोरा गेहूं तो द्वार पूजा पर गांव गोती लोग ही खाकर चले जाइए। काम नहीं हो तो कह दो खेत दूसरे को बटाई पे दे दे। भाई जी इस साल की पैदावार तो औरों साल से अच्छी है, देखी देखा थे
जैसे जैसे खाद पानी की सुविधा बढ़त जात है वैसे वैसे तू लोग पैदावार कम करत जात हो। मेहनत करत नहीं और सोचत हो खेत अपने आप ही सोना उगले। हां सोना, सोना से याद आया बिस्ना, ये लड़का भी सोना है सोना। एक बारी शादी हो जाए दे फिर देख पूरे इलाके में अपनी धाक जम जाए। कहे ना मालिक, शादी विवाह में इतना जो खर्चा करेगा पड़े। अरे नहीं बेवकूफ, बात ब्याह में खर्चा की नहीं है, वो तो कौनू बनिया सेठ भी कह ले, धाक तो दामाद बाबू के नाते पड़े। बहुत बड़ा अफसर बने के जा रहा है पुलिस में। पुलिस में क्या दरोगा बने क्या बाबू साहब? अबे दरोगा से भी बड़ा आईपीएस, समझे? अरे बात एकदम चेक कर लिए गुरु, एकदम चकाचक बा। हमारा सामान वामान रख दिया कि ना? अरे कहा ना गुरु, चिंता के कोनो बात ना बा। मुलंगी का काम हमेशा चौकस रहा है। अरे ठहरो सरकार बहादुर। अरे भैया आप? हम भी चल रहे हैं, चलो तो इलाहाबाद स्टेशन तक छोड़ दे। नहीं भैया, ये है ना मुलंगिया, ये हमको छोड़ के चलाए। अरे हम भी घूम के चलाओ, चलो ड्राइविंग हम करब। ड्राइविंग? अरे भैया आप काहे तकलीफ करोगे, आप घर पर जाओ आराम करो। बस ज्यादा बात ना करे के, हमें इलाहाबाद में कुछ काम भी है, एक पन दो का चला खसका चला। वाह क्या मेंटेनेंस है सरकार बहादुर की जीप का। हाँ भाई वाह, गाड़ी हो तो ऐसी जहर से गुजरत बा, लग रहा कि सरकार बहादुर की सवारी। अरे मुलंगी ब्रेक मारी कर दे भाई दा। अरे भैया मारी कर कर कर। कमाल है, क्या बात है, कैसन कैसन टेक्निक इजाद किए हो और हमको खबर भी ना। अरे मालिक का सिस्टम है कुछ ऐसा है, कलच से ब्रेक का और ब्रेक से कलच का काम लेते हैं। मांग है मुलंगी लाल जवाब नहीं तोहार और तोहरे गाड़ी का। अरे भैया जरा गाड़ी रोका। अब क्या हुआ भाई? देवी मंदिर, बस देवी दर्शन के क्या होते हैं? मंदिर देवी दर्शन छोटे तू और पूजा। अरे अरे भैया बस बस गए और आए। ताज्जुब है भाई। ए मां ताज्जुब की क्या बात है मालिक, इंसान के बिगड़े में देर लगता है का? अरे बिबो यहां आवा, हुआ हमार भैया जीप पे बैठा है। तो पुलिस में भर्ती हो जात हो? पुलिस में भर्ती नहीं, आईपीएस के इंटरव्यू दे जाते ही। अच्छा अच्छा समझी, तू आईपीओएस का इंटरव्यू देवे जात हो, मगर दीदी तो कहत रही तो पुलिस में भर्ती होवे वाले हो। एक ही बात है बिब्बो, आईपीएस का मतलब भी वही होता है। हम तो समझत रहे कि तू दरोगा बनवा, अब हमके का पता रही कि तू आईपीओएस बन जात हो। अरे बाबा आईपीएस नहीं, आईपीएस 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 का मतलब होता है दरोगा से भी बड़ा अफसर। दरोगा से भी बड़ा अफसर? दरोगा से भी बड़ा अफसर? चला चला हमको भुट्टू ना बनावा, भला दरोगा बाबू से बढ़कर भी कौन अफसर होते का? हाँ हाँ भाई होता है, वो दरोगा बाबू को ऑर्डर देता है, दरोगा बाबू उसे सैल्यूट मारते हैं। कैसे मारते हैं? ऐसे
बहुत देर लगा देस का करत है एक बात की तारीफ तो कर ही क्या पड़े साहेब बहादुर के जीप की के हॉर्न के अलावा सब कुछ बज रहा है हमेशा मरम्मत जो होता रहता है मालिक आए का कहना आप बस यही कमी रही कि बहरे का हॉर्न की क्या जरूरत है ना 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 जवाब के छोटे को बुला के ला बहुत हो गया रविंदर जी फिर तो हमका भी तो उसे डरे के चाहिए वो का है का अब पुलिस वाले के का भरोसा कब के का हथकड़ी पहना के जेल में डाल दे हाँ ये बात तो है हथकड़ी तो हम भी तो का पहनोबे मगर पुलिस वाले ना कंगन के और जेल की जगह दुल्हनिया बना के ले चलब तो का अपने घर बिम्बो कहाँ जाओ थो जी तोरे साथ वो लड़का कौन रहा लड़का कौन लड़का झूठ बोले की कोशिश मत करा हम खुद अपनी आंख से देखा है के रहा हूँ अच्छा अब समझी दीदी जब हम मंदिर गए रहें तो दीदी के देवर छोटे चौधरी मंदिर आए रहें पुलिस में भर्ती होवे जात हैं मंदिर में देवी जी का दर्शन करने आए गए बस और इसे बतियात रहे काहे हमरी आंख में धूल झोंके की कोनो जरूरत ना है ऐसे मिलके बात करब और वैसे मिलके बात करे के फर्क हम अच्छी तरह समझत हैं सच सच बता दा तू छोटे चौधरी से प्यार करत है ना देखा बिब्बू ऐसे भूल कहीं भी मत जब हम चीज मिल ना सके ना उसके बारे में सोचे के भी ना चाहिए चौधरी लोग बहुत बड़े लोग हैं और उनके सामने हम कुछ ना है धरती पर रह के आकाश का चांद के पाए के सपना जिन देख पाई ना तू नहीं जानत जब ये सपना टूटत है ना तो बड़ा बड़ा दुख होते हैं तो हर भोला मन ये दुख ना सह पाए और हम नहीं चाहत कि हमारी तरह तो हर सपना भी फूल बन के खिले के पहले ही बिखर जाए नहीं दीदी नहीं ऐसे मत बोला ये अमेरिका इंग्लैंड ना है मेम साहब भारत वर्ष है ऊपर अवध प्रयाग क्षेत्र यह विवाह के पहले प्रेम के अच्छी नजर से नहीं देखा जाता तो दोनों का ब्याह कराई दा लोगन की निगाह बदल जाए कैसी बात करत हो उषा शादी ब्याह इतना आसान है का अरे पहले ये तो पता चले कि वो लड़की के हो उकर जात धर्म का है आप उकर चिंता ना करें लड़की चौधरी खानदान की बहू बने लायक है उकर जात धर्म सब ठीक है हाँ बेचारी गरीब घर से है तो दहेज वहेज ना मिले बस तो ये बात है एकर मतलब ये देवर भौजाई की मिली भगत है वैसे कौन है वो भगवान लड़की समझ लिया हमारी छोटी बहन है वो मनीराम काका है ना उन्हीं की बेटी बिब्बो है अब बोला रिश्ता पसंद आए के ना अब हम का बोले जब देवर भौजाई दोनों का रिश्ता पसंद बा तो हम दाल भात में मुसरचन का है बनी अरे हमरो हाँ है और तुहार पसंद तो तोहरे जैसी लाखन में कोई चला काल शादी तय कर ले चला हटा बिब्बो हमार बेटी है तो तुहार बहन भी है बेटिया ओकर हित अहित तोहरा से ज्यादा केस हो सकत है मगर बेटिया ये रिश्ता में लागत है तू ठीक से विचार ना केहू ठीक से विचार ना केहू कौनो गलती हो गई काका हाँ हाँ बिटिया बहुत बड़ी गलती हो गई उषा अरे तू खाली बीबो के देखू हाँ अपने काका की हैसियत भूल गई का कहाँ चौधरी साहब और कहाँ हम मखमल में टाट के पवन सोहा नहीं देते बिटिया पवन कौनो चीज कहो काका अच्छा ना लगत और फिर इंसान कपड़ा भी तो ना हो आपकी बिटिया ठीक कहते काका अगर आपका इशारा रुपया पैसा की ओर है तो रुपया पैसा इंसान के इंसानियत से बड़ी चीज ना हो बिब्बो केवल दो कपड़ों में चाहिए बस सोच ले हजी जजी बाद में पछताइया मत कि दहेज में फूटी कौड़ी भी ना मिली
कौड़ी से खेला है कि अब उम्र भी ना रहे शीला जी, ओके लेके हम का करब। हाँ भाई मनीराम, का कह दो, शादी पक्की मानी जाए? जहाँ आप है वहाँ हम का बोली भैया। चौधरी जी, बेबो आपकी अमानत है, जब चाहे ले जा। जीजा जी, मुँह तो मीठा कहला ना। हाँ जरूर। हाँ भाई, मुँह तो मीठा करे के पड़ी। अच्छा भाग्य दे, मुहूर्त निकलवा के ब्याह की तारीख पक्की की। अच्छा अरे बड़े चौधरी का गाड़ी हमरे गांव में। प्रणाम देवी शरण जी। अरे खुश रहा बड़े चौधरी, ठीक है तुम यहां तक आई के भारी भार चले जा रहे हो। अरे बिटिया भी साथ है? प्रणाम काका। सौभाग्यवती हो बिटिया, कसम काशी विश्वनाथ की तुम साथ हो और बड़े चौधरी बिना मिले चले जा रहे हैं। चला घर चला, बाकी बातें घर चल के हुई। नहीं ठाकुर साहब, आज हम जल्दी में है, मणिराम जी के घर से आ रहे हैं, छोटे की शादी तय करे करा। छोटे का शादी मणिराम के घर? हमको समझ नहीं बड़े चौधरी। हम कहे थे ना देवी शरण जी के हम चाहते हैं कि छोटे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करे, और छोटे का फैसला जब मणिराम काका की बेटी बिब्बो के साथ शादी करेगा हुआ तो हम भी हाँ कर लिए, वही रिश्ता तय करे गए थे। चलो ठीक, प्रणाम। कसम काशी विश्वनाथ की, इस सौदा तो के बहुत महंगा पड़े बड़े चौधरी, बहुत महंगा पड़े। असला है बिस्ना? 25 बंदूकें, 4 रिवॉल्वर और 50 बम हो मालिक। बहुत है बिस्ना, बहुत। इतना बम पूरे इलाके को धुआं धुआं करती, मनीरमुआ के घर को धुएं में ढूंढे के पड़ी। और सुन बिस्ना जी, जैसे ही बारात द्वार पूजा के लिए पहुंचे जी, तुरंत धमाका कर दे। ठीक है मालिक। चला बचका नहीं हरकत है बुंदा, जानत नहीं सुकार के जावे के समय टोका नहीं करते। क्यों के खून से होली खेलब, कहां का सुकार है बाबूजी? ये पाप है पाप, और ये पाप हम तो ही ना करे दे। पगलाए गई हो का, खून खराबा हम ठकरन के लिए पाप नहीं पुण्य होत है, और ये है हमरे पुरखन की परंपरा चली आ रही है, समझी बिटिया? और यही में हमरी आन बान और शान है। तो धिक्कार है ऐसन परंपरा और आन बान शान पर जो निर्दोषन का खून बहावे। निर्दोष के है निर्दोष, बड़े चौधरी या उनका बराती? नहीं बुंदा, ये सब के सब हमरे अपराधी हैं, हमरे अपराधी। कसम काशी विश्वनाथ की, तू हमरे सामने से हट जा, हमरी आंखन में इस समय प्रतिशोध की ज्वाला धधकत हो। तो चलावा चलावा गोली। हाँ बाबूजी, हमका गोली मारकर अपन ज्वाला शांत कहिला, नहीं तो? नहीं तो का करबू, तू अपने बाप को मरबू? नहीं बाबूजी, हम बेटियन के परंपरा अपने बाप के गोली मारे के कभू न रहा, बल्कि समय आवे पर बाप और कुल के मर्यादा खातिर अपन जान निछावर करे के रही। अगर ई अन्याय भरा एक भी कदम मणिराम काका के दरवाजे की तरफ बढ़ा तो हार कसम बाबूजी, हम अपने आप को गोली मार ले। ई का बेवकूफी है बंदा, हटाए ले रिवॉल्वर का वरना गोली चल जाए, हटाए ले।
हटाई ले बिटिया हटाई ले। तो ये ना पता है बिटिया कि बड़े चौधरी हमरे साथ कितना बड़ा धोखा किए हैं, हमरा कलेजा छलनी छलनी कर दिए। अब हम ई शादी कदापि ना हुई देव। ई शादी तो होई के रहे बाबूजी, नहीं तो कल जितनी अर्थी सजी उनमें एक अर्थी तोहार बिटिया की भी होए। बुड्ढा पागलपन की बात मत कर, हमार बात समझे की कोशिश कर। ये शादी शादी ना है, हमरे मुख पर कालिक है, ये बैंड बाजा का धमक ना है, हमरी छाती पर घूंसा है घूंसा। हम तो कितना सपना देखे रहे तोहरे छोटे की शादी को लेके। तोहरे सपने से भी बड़ा सपना बिब्बो और छोटे देखे बाबूजी, वो दोनों प्रेम के छाव में आपन सपना गुंथे बुने और क्रिया कसम से सींचे हैं। बाबूजी वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और उनके प्रेम की साक्षी हम तोहर बिटिया बूंदा है बाबूजी, हम तोहर बिटिया बूंदा। ई का कहत हो बिटिया? बाबूजी हम सच कहत है, देखो हमारी सहेली है और एक सहेली का स्नेह सगी बहन से बढ़कर होता है, फिर वाला हम अपनी सहेली के मांग का सिंदूर छीन के अपनी मांग में सजाई के सपना कैसे देख सकते हैं? जी छोड़ दे बाबूजी, वरना अगर तू जिद्दी हो तो हम भी तुहार बेटी है, जोन कहते है वो कही के दिखाई दे। ना बिटिया अब एकर कोई जरूरत ना, जे हमार तोर खुशी है उही में हमार खुशी, जोन तू चाहबू हम वही करब। सच बाबूजी? हाँ बेटी सच। हाँ बेटी बाबूजी बाबूजी। ले जाते हो अच्छी खासी नींद के सत्यानाश कर दे हो। बबुआ जी आज की रात सोए की नहीं जागई की रात है। ए भौजी आज कोनो जागरण है का? हाँ आज चांद देखा तरई गिना जागरण हो देवर जी। तरई मतलब आज की रात हमका पूरा तरई गिने के पड़े? हाँ और सवेरे हमका बतावे के भी पड़े आकाश में कितने तरई थे। हे भगवान ये शादी ब्याह है कोनो मुसीबत घंटी? अरे अरे ए बुलंगिया यहाँ आ, सुना सुना एक 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 पेन और कागज भी ले आ, तरह की रेख मा एक से बदल दूई। आज तो गुरु तुम के माफी कह दा, आज मार छुट्टी हो, इस तरह की ने वाला काम तू अकेले ही कह ला। हाँ हम चले। अरे अबे अबे सुन तो ससुरा चला गवा, सीधा से छत पे चढ़ा और बंद करा ही ना। अरे माही। अरे कहा भौजी हम अकेले ही जाई। गुरु ये जूता तो नहीं जाओ गुरु। चुप रह, तरे गिना मैं जूता का करम। आई उफ दद्दा रे दद्दा, ये तो पूरा आकाश तरे से भरा पड़ा बा। अरे का भौजी हमका तो ये कहां फसाए दे हो? अरे हद हो गए, आज नींद के झोंका में हमका यो ना पता चला कि हमार सुहागरात हो। अच्छा तो अब समझे तरई गिने का मतलब। चला छोटे बेटा आज रात तू चांद देख लिया और तरई गिनी है कल सुबह तो हार बिबर रानी। हम है हम तुहार छोटे मलकिन भौजी, लागत एक तरी टूट के गिरी छोटे मालिक पर। डराई दिए, ये कौनो तरीका है? देखा था हमार दिल कैसे धकधकात बा। अरे हम तो सोचत रहे कि आज हमार तोहार सुहाग रात है तो थोड़ा सा छुपा छुपी का खेल खेल ले। रात में भी केहू छुपा छुपी का खेल खेलत है का? लिया तो का यो ना पता। अरे छुपा छुपी के असली खेल का मजा तर रात में आवत है। अरे बापरे
बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? दीदी कहीं है कि सुहागरात के अपने पति के पैर छूना। अच्छा तो छू लो। सुखी भव, भगवान करे 8-10 बच्चों की अम्मा बनो। हाँ? जा, अब ना छू दे। अब तो तू छू ली हो और हम तो का आशीर्वाद भी दे दे। कहते हैं पति का दिया हुआ पहला आशीर्वाद जरूर लगता है। अब जल्दी से 8-10 बच्चों की अम्मा बन जाओ तो घर में ही एक क्रिकेट टीम बना लेते हैं और आने वाला वर्ल्ड कप जीत लेते हैं। अच्छा, क्रिकेट टीम बाद में बनाई है, पहले ये दूध पी ला। दूध? दूध का है पी ली? ये हमारे उम्र का दूध पिए कहो। मगर आज तो पिए के परे। वो कहे का यह कोनो रसम रिवाज है का? हाँ, दीदी कहीं है। तो ठीक है, लाओ। और का कहीं दीदी? और हाँ, पान। ये रहा पान। पहले दूध फिर पान। वाह भाई वाह, मजा आ गया। ए, और का कहीं दीदी? और तो कुछ ना कहा, चुपचाप सुत जा। सुत जा? ए, सोच के बताओ ना दीदी, और कुछ ना कहीं? ना, और तो कुछ ना कहीं। धत तेरी की, असल बात तो का दीदी पता वही भूल गई। असल बात? कौन असल बात? मिट्टी वाली। धत, वो तो लड़कन के साथ होते। हे भगवान, हे नीली छतरी वाले, अब बतावा हम का करी। का हुआ? ये ऊपर देख के भगवान के काहे बुलावत हो? तराई तराई गिनत है। अच्छा, ये काम में तो बहुत मजा आवत है, पर दीदी हमसे ना बताएं। चला गिना, तू पूरब से, हम पश्चिम से। वो ठीक है, मगर ऐसे बैठ के ना गिनाई बिबुरानी। तू तो कैसे गिनाई? सोई के। सोई के? हाँ चलो सोई जा। वो देखा, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, छः छः, सात सात, आठ आठ, नौ नौ, दस दस, और बस। अरे ये बत्ती कहाँ बुता दिया? अरे अन्यारे में तरई गिने का मजा ही कुछ और होता है। जिद्ध सिद्ध संपत्ति नदी सुहाई, उमगे अवध अम्बुधि कहुआई। सबके ओर अभिलाष वस्त कहई मनाई महेश। आप अछति राजपद राम ही देव नरेश। सियावर रामचंद्र की जय। जुग जुग जियो बहु, दूधो नहा पूतो फलो। इतनी जल्दी सोए के उठ गो? माफी चाहे अम्मा जी, आंख थोड़ी देर से खुली। कौनो बात नहीं बेटा। खुश रहा, ईश्वर तुम्हार मनोकामनाएं पूरी करे। छोटे जागे की ना? नहीं, अब ही सोबत है, चाय लेके जाती। बहू, आज हम कह सकत हैं कि हम पिछले जन्म में कौनो बड़े पुण्य किए रहे, तभी तो हम का राम लखन जैसन बिटुआ और सीता और मिला जैसन बहुएं मिली हैं। जुग जुग जियो बेटा, आवा। बस कर बहू, बहुत रात हुई गई, तू जाके सो जा। जात है अम्मा जी, अभी तो एक ही पांव दबावा है। जा, छुटका तो हर रास्ता देखत हुए, काल सवेरे जल्दी जाए के बा। जाए के बा? कहाँ जाए के बा? का तो का छुटका ना बता इसका, काल सवेरे आईपीएस की ट्रेनिंग में जात बा। काल सवेरे? हाँ, जा, तो का ओकर सामान भी बांधे का परी। जा बेटा जा। खुश रह जियत रहा।
हे माँ बेलहा देवी, इनकर मनोकामना पूरी करा। माई का महिमा अपरंपार हो, जे पर इनकर निगाह पड़ी ओकर सब मनोकामना पूरी हो जाए। पर लागत है माई की निगाह हम पर से उठ गए बा। ऐसा मत बोला, ये माई का आशीर्वाद ही तो है जोन हमका तो से मिला दे, विवाह के बंधन में बांध दे। नहीं तो प्यार के राह में चले वाले अधिकतर प्रेमी बीच राह में खोवा जाते, मंजिल तक कभी ना पहुँचते। तू हमका कितना समझाएला पर इतना जल्दी तू हसे अलग होए का दुख हमसे ना सह जाए। अरे पगली, ऐसे कैसे बात करते हो? तुम्हारे जिंदगी में दुख ओकर कोनो जगह ना बा। ई का तुम्हारे आंख में आंसू? ऐसे ही खुशी में अच्छा लग गई। ये ट्रेनिंग कितना दिन चली? अच्छा तो अब समझे तुम्हारे आंसू का कारण। अरे मगर हम दूर कहां जाते, एक बार छह महीना का ट्रेनिंग पूरी है ओकरे बाद फिर जिंदगी भर का साथ है। तो का छह महीना लागे? हाँ भाई पुलिस की ट्रेनिंग है, छह महीने पहले कहाँ छुट्टी मिले। मगर तू चिंता मत करो, हम तो का रोज एक चिट्ठी लिखब। और फिर यहाँ माई है, भौजी है, सब लोग तो है तेरे साथ। हाँ मगर परसों बाबूजी चौथी लेके आई है, तब तक रहते हैं तो। हमरो इच्छा यह रही कि हम चौथी के बाद ही जाए, मगर हमको आज ही जाना पड़ेगा। परसों सवेरे ट्रेनिंग में हाजिर होना है और फिर तुम होना यहाँ पर, बाबूजी को समझा देना। प्रणाम। अरे चाचा जी, प्रणाम चाचा जी। खुश रहो चौधरी। अरे चाचा जी, अब आप तो चौधरी का छोड़े हमारे हम बड़े हैं। बैठिए। अरे सरवा, ये तो फिर आएगा वाह। अरे आवा साले साहब आवा, हमार इमरती भौजी कैसी है? ससुरा बड़ी इमरती के पीछे नहात हो कि पड़ी गवा है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो हर चर्चा चलत रहा। अच्छा। बाकी बात बाद में, इस सामान पकड़ा। एकर चिंता तू जिन करा। अरे ये जो ससुराली की माटी होता है ना वो मीठ होता है, और फिर ये तो मिठाई बा, वो इमरती भौजी के हाथ है के। तू चिंता जिन करा, तू जाके कमरे में आराम करा, हम तोहरा सेवा करे खातिर अब आवत। अरे बाप रे, ये तो मर्द होके मर्दबा के आंख मर्द बा। प्यारे बेटा मामला गड़बड़ है, ये आदमी का नियत कोनो भरोसा नहीं। खैर कोई बात नहीं, देख ले। अरे निकला गे टिकुरिया गोरखपुर की रे, गोरखपुर की रे, गोरखपुर। अरे मुलंगी, ये टुकरियन में का है रे? मलकिन, छुटकी भौजी के बाबूजी आए हैं चौथ लेकर। अच्छा अच्छा। अरे निक, अरे बड़ी बहू चला करी, संभी जी का दूर से ही देखा जाए। मुन्ना का कहा है बड़े चौधरी, आजकल माहौल कुछ ज्यादा ही बिगड़ गवा। आप ठीक कहते चाचा जी, सारी व्यवस्था ही बिगड़ गया। आप का कहा था, आपकी केकर सरकार बनी, जेका जनता जनार्दन जनादेश दे। बड़े चौधरी साहब, जगनायक की पार्टी पर तनिक ज्यादा ही आप भरोसा कर रहे हैं। हम कौन सफाई दे बड़े चौधरी, हमरे एक तरफ कुआं बा तो एक तरफ खाई, बस इतना ही कहा कि हम निर्दोष हैं। कहो कहो आके देखा और कान से सुना भी झूठा साबित हो जाते हैं। यही खातिर तू अभी तक जिंदा अपने पांव पर खड़ा है मनीराम। भला यही में बा कि माई के होश में आवे के पहले ही अपने बेटी के साथ हमरे दरवाजे से चला जा। Oh, my God.
बहू, भगवान तुम खुश रखे, जा बहू, परमात्मा तो आप गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, क्या मैं आपके साथ दौड़ सकता हूँ? व्हाई नॉट, अरे इसमें इजाजत की क्या जरूरत है? अरे गुरु मैं क्लास में हूँ, वी आर रनर हियर। नो सर, गुरु तो गुरु ही होता है। गुड, वेरी गुड। देश की सेवा करने के लिए अच्छे संस्कार की जरूरत होती है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने पद की गरिमा रखते हुए लोगों के साथ न्याय करोगे। बाय द वे तुम रहने वाले कहाँ के हो? जी बेलापुर, जिला प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। तुमने मेरी पुरानी यादें जगा दी, मैं वहां गया हूँ अफसर। वहां मेरे दोस्त बड़े चौधरी का घर है। बड़े चौधरी सर, वो मेरे बड़े भैया है। क्या तुम छोटे हो? जी सर। शट अप। नो सर, कॉल मी भैया। भैया? नो सर, सॉरी भैया। आओ बैठा। बैठा, पैरू रंगाइल बा, घर से पूजा पाठ करके चला लवा का? नहीं भैया, ये शादी का महावरा। शादी का? मुबारक हो, मुबारक हो। कहाँ भावा शादी? जी रामपुर के ठाकुर मणि राम सिंह के यहाँ। ठाकुर मणि राम सिंह? सिंबो, तू बाबूजी, थारा थारा हमें जल लेके आवेदा। अरे चाचा, बीबो के इतना जल्दी का जरूरत नहीं विदाई कराए का? एक आध महीना रहन दिए होते। बीबो के जी ना लगात रहा, जीत करे लगी तो का करते, दामाद बाबू ट्रेनिंग पे गए है ना। सब ठीक क्यों चाचा, लड़की के पहली बार में जी घबराता ही है। ठीक क्यों चाचा, बाबूजी अचानक बिंबो की विदाई? तू तो चौथी लेके गवा रहा ना, फिर हम पूछे थे क्या क्या बात कहा हो, हमें सच सच बता दा, नहीं तो हम पागल हो जा। आखिर क्या हुआ है बिंबो के साथ, कहो हमारी कहानी, इससे तो ना दोहराई गई। यही समझ लो बिटिया, गरीब के बेटी छोड़े के खातिर बड़े लोगन के कारण ढूंढे में देर ना लागत। हाँ काहे नहीं, गरीब की बिटिया तो भेड़ बकरी है ना, जब चाहे खरीद ले, जब चाहे अपने मनोरथ खातर बलि चढ़ा दे। हम पूछे थे कहाँ के बाई दस्तूर, काहे आए रहन बड़े चौधरी, तब तो गिड़गिड़ात भय बिपो के हाथ मांगे, बोले हमें दहेज में कुछ ना चाहिए,
नसीब से केहू ना लौट सकत बेटिया। केहू ना अत्र कुशलं तत्रास्तु। विदित हो कि मेरी ट्रेनिंग बहुत सुचारू रूप से चल रही है। यहाँ पूरा स्टाफ और खासकर हमारे ट्रेनिंग टीचर श्री आदर्श जी। हाँ आदर्श, श्री आदर्श जी की मुझ पर विशेष कृपा है। भैया आपको जानकर हार्दिक खुशी होगी कि आदर्श जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपके क्लास फेलो और मित्र रह चुके हैं। वो एक बार हमारे घर भी गए हैं। मुझे तो छोटा भाई मानकर इतना प्यार करते हैं कि मेरे बगैर खाना भी नहीं खाते। अरे वाह, आप लोग मेरी चिंता बिल्कुल न करें। इति शुभम आपका छोटे चौधरी। भगवान की कृपा से छोटे भली प्रकार खुश बा। ये समाचार सुन के बोध हुई गवा, नहीं तो चिंता लग रही। ये छोटे के भाग्य माई के ऑफिसर के रूप में उनके आदर्श मिल गए हैं। वो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। ये कैसे तू जा बेटा? ये तो छोटे की चिट्ठी है माई बहू के नाम। तो बड़ी बहू के दईदा पर जवाब दे दे। ये का जवाब दे है कि बहू बहू अपने मायके में बा, ओका हम लोग घर से निकाल दिए है। नहीं माई, हम नहीं चाह के वो यहाँ के समाचार जाने के डिस्टर्ब हो और अपन ट्रेनिंग अधूरी छोड़ के अपन कैरियर चौपट कर ले। नहीं तो ये लोग के छोटे के पास चिट्ठी चपाती लिखे के कोनो जरूरत ना है। हम ठीक समझे तो लिख दे, नहीं तो फोन पर बात कर ले। माई ये ठीक कहते हैं। रिब्बो कहाँ खोई है सकी? कहूँ ना? हाय मोरी चमक चलो, हम तो सोचे बिना रहे कि तू इतना जल्दी आए जाबू। ए छोटे जीजा से झगड़ा हुई गवाह का? धत झगड़ा कहाँ हुई? वो तो पुलिस की ट्रेनिंग में गवाह है, तो हम वो आ रही के का करे। घर की ट्रेनिंग पूरी ना भाई और चल दिए पुलिस की ट्रेनिंग माँ। अरे तू रोक ना लियो। काहे हम काहे रोकी? का कौनो हमार गरज नहीं का? यही तो मार खा गई बिब्बो रानी। अरे तू का जाना मर्दन के आदत, मुंह पे राम जी रहते हैं तो बगल में छुरी। अरे अपने मन के बात मेहरारू से कहे में अपन हेटी समझते हैं। अच्छा तो ही कैसे पता सकी? अब भाई तो भवरिया ना घूमी, एक और गड़ारी की जगह गंडेर तो ना घूमा थे बुता रानी। धत फालतू के मजाक कर रहते हैं। अरे ये सब बातें हम तो बड़ी बूढ़ी से सीखे, तू सीख ले आगे चल के काम आवे। अच्छा हमें जोन दाव पीच काम आवे कर है वो तो आएगा वा सकी। अब तू ही लटका झटका दिखावे कि तुहार नंबर है। सबक सीखे रहू तो काम जा। हम तो उसे न बोलत, बहुत बदमाश हो गई है। बाप रे बाप, चार दिन में ई हाल हुई गवा है। चार महीना बिता के आवा सारे खातू। ससुराल की पनिया ऐसे होते बंदो, तनी आपन बैंड बजाई दा। हम तो पारे खाते हैं पर तू तो बगलो भगत के जैसे पूरी मच्छरी गटक जाबू। चल हट बेशरम कहीं की। अच्छा छोड़ ये बता, छोटे जीजा से पटत रही ना? पटाई की बात करत हो? वो तो पहले से ही पर्चा रहे। बेचारे बड़ा उदास हुए की ट्रेनिंग में गए न। एक बात कही बिब्बो, सच मान उदासी तो तोरे चेहरे पर भी झलकत बा। उदासी? हम कहा उदास हो बे? हाँ जी कुछ ठीक नहीं है, थोड़ी थकान हो गई है। अच्छा चल अब घरे चल, सांझ ढले कबा। हाँ चल। बैठ बैठ। तू तो अब समझ गए होइबा कि हम के हैं। हाँ भैया, मगर आप जैसे आदर्शवादी कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति शीला जैसे देवी के अपमानित कह के यह तरह भुला दे, ये बात कुछ समझ में ना आत बा।
छोटे अपना जिंदगी के बात हम आज तक न समझ पाईनी, तू अचानक एक झटके में कैसे समझ जाएगा? निर्दोष होला के बावजूद हम उस देवी के नजर में सबसे बड़ा दोषी और अपराधी है, और उस देवी हमार खानदान के परंपरा और मान मर्यादा के शिकार है, और हम मातृभक्ति के। भैया ऐसा तो कुछ समझ में ना है, आखिर वो कौन बात है जौन आप दोनों कितना अलग कह दे कि कब हम मिल ना सकत? छोटे अचानक शीला से हमार बिया 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 हम अपना दोस्त सिद्धांत के ब्याह में बराती गए रहे। वहां ब्याह के लगन मंडप में सिद्धांत के पिताजी दहेज के मांग कर दी। शीला के पिताजी बहुत रोइन, बहुत गिरगिराइन, यहां तक कि सिद्धांत के पिताजी के चरण में अपना पगड़ी तक रख दी। बाकी उनकर मन नहीं पसी जा। हम भी सिद्धांत के बहुत समझाए कि सिद्धांत ही गलत बात बा, बाकी बात ओकरा समझ में नहीं आई। मगर हमरे समझ में एक बात आ गई कि जहां सिद्धांत खत्म होला वहीं आदर्श के जन्म होला। यह अन्याय हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वही लगन मंडप में हम शीला से ब्याह कर लिए, और दूसरे दिन शीला के लेके हम अपना घरे वापस आ गए। वहीं रुक जा आदर्श, तोहरे साथी के हो? ये तोहर बहू हमारी बहू नहीं बिटवा, जौने दुल्हा के मोर पर महतारी के हाथ के मुसर नहीं घूमल, आंचल ओढ़ाई के दूध के लाल राखे के रसम नहीं निभावल गई, उ बिन बारात के आए दुल्हन के हम अपन बहू कबहू ना मान सकीले। तो चिंता मत कर शीला, हम माई के मना ले आवा। छोटे शीला के व्यक्तित्व और व्यवहार से माई के मन तो दिन में पसीज गवा, वो के बहु स्वीकार कर ले ली। बाकी कहावत बाना, ताही ना आवे ताही पे ताही तहां ले जाए, जैसी होती हो तब बेता वैसी मिले सहाय। चौथे दिन जहां सब चौथी के राह देखत रहीन, वहां मनीराम जी आके शीला के ले गईन। ठकुराइन, शीला के माई के तबीयत बहुत खराब बा, बच्चे के कोई उम्मीद नहीं के, एकरा जाए का नहीं समझी जी, बहू के विदाई नहीं हो सकत। काले हम गांव बिरादरी के भोज खातिर नेता पठवे हैं, अभी तो बहू के मुंह दिखाई के रस्मों पूरी नहीं भई हो। समझन जी, एकर माई जिंदगी और मौत से जूझत हो, वो एक बार शीला के देखे के चाहत हो, जाए दे। सुना समझी जी, कुछ लोग ये दुनिया में ही खातिर पैदा होते हैं कि उनका शरीर से प्राण निकल तो समझा कि वो मर जाते हैं, मगर हमरे जैसन लोग अगर समाज के नजर से गिर गए तो समझा कि मर गए। आज अगर बहू घर से चली गई तो हमरे जीते जी ओकर कदम ही दरवाजे पर ना पड़े। चलो चलो बिटिया, आदर्श गांव से कह दिए हैं। छोटे माई के अहम के रक्षा करल भावना की बात है, बाकी वो दिन हमरा सामने सबसे बड़ा कर्तव्य रहा शीला के ओकरे माई के लगे पहुंचावर। हम जाना थे छोटे एक न एक दिन हमार माई के बहु जरूर याद आई, और सच माना वो दिन हमार जिंदगी के सबसे बड़ा दिन हो, सबसे बड़ा दिन। अरे 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 अरे, का बात करे तो लक्ष्मी बहन, बिब्बू के पाँव भारी बा। हाँ चंदा बहन, हम अपनी आँख से उल्टी करत देखा है। छी छी छी, तभी तो हम कहे कि चौथे के दिन बिब्बू की विदाई काहे हो गई। बेचारे मनीराम के मुंह में तो करी खा लग गवा, बड़ी बिटिया तो छोड़ दी गई और छुटकी उल्टी करत गई और उल्टी करत लौट आई। छी ला बहिनी दर्शन कैला, सवेरे सवेरे गंगा में सारा पाप धो के आ जाई। सतीका बिखरी, अरे मनीराम की बिटिया पता नहीं केकर पाप अतरा में छुपाए घूमत बा।
ना बिब्बो, ते रोबोट है। अरे पगली, अगर यही तरह छोट छोट बात पर रोबे लगबो ना तो जिंदगी बाहर हो जाए बहनी। छोट बात तो एक छोट बात कह दीदी, जेके बचपन से लेके आज तक हाँ बार काकी परी माई और भोजन कहत का जीव थक गए, जेकर अड़वा डोलावत हम लड़का से सयार हो गए, जेकरे हर सुख दुख में हम आधी रात के में दौड़ी गए, आज आज ओए हमरे हमरे कोक पर लालचन लगावत है। अरे पगली, किचन में नहीं पाले फूल का उपहार दे, का जाने वो जब दे है ना कीचड़ का छीटा ही दे है, समझदार की चाहे क्यों कीचड़ की छीटा के होली की भेंट समझ के अपना ले। इस समाज तो सीता मैया जैसन आदर्श नारी के भी ना छोड़ेस, हम और तू तो एक साधारण नारी है, द्रौपदी के चीरहरण से बढ़ के इस समाज में नारी को कौनो अपमान ना होला, मगर वो तोहरी तरह रोविस नहीं बल्कि अपने अपमान के बदला लेवे खातिर 13 साल इंतजार की हिस, और तू अपने छोटे का 6 महीना भी इंतजार नहीं कर सकतू। हमें पूरा विश्वास बा कि जौने दिन छोटे आई है ना ये झूठे समाज का मुंह पानी हो जाए। चला उठा कुछ खा ला। ना दीदी हमरे भूख ना, फिर वह बेवकूफी के बाद। अरे पगली आपन ना सही पर अपने कोखे के ख्याल कर, जे हमें का जानी अभिमन्यु पलट पा या लवकुश, ओके अपने आंसू के जहर पिया के कमजोर जिन बनावा बहनी, उतोहरे और छोटे के प्रेम के निशानी बा, ओके अपने खुशी के अमृत पिया, का जानी कल यह लड़का गरुड़ बन के पैदा हो और इस समाज के सरपंच के बिनी के खाई जाई। चल उठा खाना खा ला। हाँ दीदी तू ठीक कह रहा, हम अपने छोटे की निशानी का कब्र आज ना आने देव। जय राम जी की भाई साहब। जय राम जी की मने रमवा। तो चर्चा होत रहा, खूब नाम कमाई सरी बिटिया, भाई हमें नहीं पता रहा कि उमा इतना गुनबा। हम समझे ना भाई साहब, कौने बिटिया के बात करत हो। अब इतना भी समझ कर ना समझ मत बन मनी राम, सुना है तू नाना बने वाले हो। सब ऊपर वाले की कृपा है भाई साहब। काहे ऊपर वाले को बदनाम करत हो भाई, कम से कम अपने कर्म को कर्म से बेचारे भगवान के तो छोड़े कर। हा का कहे के चाहत हो भाई साहब, जरा खुल के बोला, हम अबो भी कुछ ना समझनी, का बुराई बा हमरे बीबो में। भाई हमाऊ अभी सुना है पूरे गांव में चर्चा बा कि बिब्बो उल्टी करत गई है, और उल्टी करत जवान संवार के देई सरन, जवान संवार के बिब्बो तोहार भी बेटी जैसन है, और भगवान तोरे घर भी एक बेटी दिए है। खबरदार जो हमरी बिटिया से अपनी बिटिया का जोड़ लगाए तो, अरे केहू भी गैरतमंद की बिटिया ऐसन किए होत तो गड्ढा खोद के ऊ में दफन कर ही देते। कसम काशी विश्वनाथ की, हमार सिर तो ही सुनकर ही शरम से झुक गवा, जिला जवार में मुंह दिखावे के लायक ना रह गए। आखिर गांव और बिरादरी की बात जो ठहरी। बस देवी सरन बस, बर्दाश्त के भी एक सीमा होत है। कौन ससुरा है जो हमरे बिटिया पे झूठा इल्जाम लगावत है, के उड़ावत है बेसिर पर के बात, जरा सामने तो आवे, जवान काट के ना फेंक दो हरम ज्यादा के, तो हम भी ठाकुर मन राम सिंह ना। अरे ताव मत खा मनी राम, इस समय ताव खाए का नहीं है, गंभीरता के साथ सोचे का है कि करके कर जबान काट कर फेंक देवा। आज सारा गांव कहे, कल बिरादरी कहे, परसों सारा समाज कहे। धीरज से काम ले मनी राम, हम तोरे दुश्मन ना है। चल बिस्ना, हमें अब बाहर जाई का है, बहुत जरूरी काम है, चल। जी मालिक। तो
प्रणाम देवी शरण जी। अरे खुश रहा बड़े चौधरी, खुश रहा। धन्यवाद जो आपके दर्शन भाई। अरे दो कुर्सी लाओ, आइए बैठते। कसम काशी विश्वनाथ की बड़े चौधरी, बैठिए। आए हैं तो बैठवे करब बड़े चौधरी, साथ है गप्पे सड़ाका भी होए। अगर वो गप सड़ाका ही कौन जाने में गला सूखा ही रह जाए, कुछ जलपान बाहर से मंगवा दे। नहीं बड़े चौधरी, बाजार से जल पिए रहे और साथ ही पान भी खाए रहे, अब जलपान की कौन जरूरत ना है। क्या बात है ठाकुर साहब, आज बहुत खुश दिखाई पड़ते। खुशहाली तो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है जमाई बाबू, जब चाहते हासिल कर लेते हैं, भले ही होकर खातिर कुछ भी किए के पड़ जाए। ठीक कहा ठाकुर साहब, वो भी एक कला है, मगर आप जैसी खूबी औरन में कहा। मगर आप कदर ना कर सके जमाई बाबू, हम तो बड़े अरमान भरे मन से आए रहे, मगर खाली हाथ लौटाई दिए गए। हम निराश ना भये, हमका अपनी तकदीर पर पूरा भरोसा रहा कि आज नहीं तो कल समय का पड़ला हमरी तरफ झुके, हमार बूंदा एक दिन चौधरी खानदान का बहू जरूर बनिए। और देखा, भगवान की दया से वो मौका फिर आएगा। वाह, हम आपका मतलब ना समझे ठाकुर साहब, आप कहाँ का चाहते हैं? अरे जवाई बाबू, हम तो पहले ही जानत रहे कि नावदान का कीड़ा कभो गंगा जल की पवित्रता में ना जी सकते, मगर आप ओका नदी का सीव समझकर उठा लाए। ये तो अच्छा हुआ कि गंदगी फैले से पहले ही आबू का बहाय दीन है। हमें तो अभी पता चला यो बित्ता भर का छोकरी बिब्बो शादी से पहले बच्चे का मां बनने वाली रही है। ठाकुर देवी शरण, जबान संभाल के बात करा, ये मत भूला कि बिब्बो हमारे खानदान की बहू है। कौन हरामजादे में इतनी हिम्मत हो गई कि हमारी बहू के माथे पर कलंक लगावत बा? कसम काशी विश्वनाथ की, एक दो आदमी नहीं पूरा गांव का हद बा बड़े चौधरी, कि बड़े चौधरी ने बिब्बो को यही कलंक के कारण चौथे दिन अपने घर से निकाल दिए रहे। धूल भरे पांव आए रही और उल्टे पांव चली गई। तो एक खातिर इतना खुश है इनके बूंदा के लिए रास्ता साफ होगा वा? अरे धिक्कार है तो है देवी शरण, तो है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरी जाई चाहिए। तू अपनी बेटी की खुशी खातिर इतनी गिरी हरकत कर सका था, तो अपने स्वार्थ की खातिर, अरे तू अपने स्वार्थ की खातिर तो अपनी बेटी की नीलामी करने में भी पीछे ना रह जावा। बस बड़े चौधरी बस, अब एक शब्द भी आगे बोले के जरूरत ना है। हम यहां तोरे घाव पर मरम लगाए के खातिर आए रहे, मगर अपने घाव पर नमक छिड़क कर जात हैं। अरे घाव अब नासूर बनकर जिंदा रही, याद रखिया चौधरी। तुम भी याद रखिया ठाकुर देवी शरण, अगर दोबारा हमरे बहू पर कीचड़ उछाले की कोशिश की तो कसम गंगा माई के हमरे कोप से बचावे वाला तुम्हें तो धरती पर केहू ना मिले। जा जा, अरे अपन खैर मनावा कि ये हमार गांव हमार दरवाजा है, नहीं तो यही बट्टा में डलवा दे हम तो का नमाज का पता चलत न चमड़ी का न हड्डी का, धुआं बन के उड़ जाता है चिमनी से, समझा? एक बात बताओ, बिब्बो जब यहाँ आई रही तो गर्भवती रही का? एकदम गलत, बिब्बो के हम जानत नहीं का। अरे हमरे सामने बड़ी भाई है, हमरी छोटी बहन से बड़की है। बिब्बो शायद माँ बनने वाली है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, हम अभी माई से बता के आवत है। नहीं, माई से अभी कुछ भी बतावे की जरूरत ना है, ये मत भूला वो हमरे बाप के खूनी मनीराम की बेटी है। मगर अब वो चौधरी खानदान की बहू भी तो है, अपराधी मनीराम काका हो सकते हैं, ए मैं ओकर का दोष। इतनी बात हम समझत है, मगर अभी कुछ दिन खातिर ये बात यही रह दो तो ज्यादा अच्छा है, बाद में जैसा माँ समझे किया जाए। तब तक बहुत देर हो जाए, कल होली हाओ, परसों जाके बिब्बो को ढांढस बंधाओ। ठीक बा। अरे बड़े कहाँ हो भाई, गांव वाले होरी जराए खातिर तुम्हार राह जोत हैं। जाते हैं भाई।
हम दोषी हैं बिटिया, बहुत बड़े दोषी, मगर हत्यारे नहीं। चौधरी जी का हत्यारा तो वो हरामखोर देवी शरण माँ है। का? देवी शरण काका? हाँ बिटिया, उन्हें चंडाल देवी शरण माँ। बात बहुत पुरानी हो गई है, मगर आज भी हमारे आंख के सामने रात दिन वो बात घूमत रहता है। हम गरीब आदमी देवी शरणमा के धमकी के डर से केहू से कुछ ना कहे, मगर आज तोहके सब कुछ बता दे। हाँ काका, अपने ससुर की हत्या के बारे में सच्चाई जानब हमारे लिए बहुत जरूरी है। इनमें बिब्बो की जिंदगी भी शामिल है। बिटिया, वही शाम बहुत ठंडक रही। हम देवी शरण से खेत के बीज और खाद के बारे में बात करे और घर पे गवा रहे। देवी शरण अपने सात आठ हथियार बंद सथियन के साथ जीप पर कहीं जात रहा। हमसे कहा चलो चला, दो ही घंटा में वापस आ जाए और रास्ते में बातचीत भी हो जाए। हम संकोच से दबा ओकरे साथ चला गए। हम कभी सपने में भी नहीं सोचे रहे कि देवी शरण डकैतियों डरत है। अभी किया डकैती, सराफत के नकाब में छुपा अपने समय का सबसे खतरनाक और खुखार डकैत। तू का चाहे तो का, अगर अपना इज्जत चाहत हो चौधरी और अपना जान का सलामती चाहत हो तो अपना सारा रुपया पैसा और अपना औरत का सारा गहना उतार कर हमका दे दे, वरना। नहीं नहीं चौधरी साहब, के कुछ मत कहा, हम दे ही थे गहना। बस बिटिया, यही सारी कहानी है। यही राजदारी के कारण आज तक देवी शरणवा हमका अपन जमीन बटाई पे दिए बा, जकरा से हमारे परिवार के भरण पोषण हो रहा बा। मगर बिटिया, हमारे आत्मा पर ये बोझ बढ़ा चला गवा बा, अब हमसे बर्दाश्त के बाहर में गवा बा। तू बड़े चौधरी से कहा, वो जहां थाना अदालत में कहे हम गवाही दे के तैयार है। हम उनसे काल बात करब। बिब्बो तू फिकर ना कर, दो चार दिन में हम उनका भेज के तोहे बुला ले। अच्छा काका, अब हम चलत हैं। पाए लागे काका? खुश रहा बेटा, खुश रहा। ये अचानक न चिट्ठी न संदेशा। काका चिट्ठी संदेशा भेजे हुई तो चौके वाले खुशी कहाँ से मिलत? हाँ बेटा हाँ, वो तो वहाँ तू मजे में रहला है ना। अरे काका, अपन गांव देश अपने होते है, वो कहावत है ना, परदेश कलश दर्शन कर। सब कुछ रहा मगर गोपाल काका के प्यार बिना सब कुछ सुना रहा। हाँ बेटा हाँ, तोहरे बिना यहाँ भी सब सुन रहा। अब तू आ गए है ना, सब ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाए? का ठीक हो जाए काका? हाँ अब कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, अब बस हम तो ऐसे ही। बेटा अब तुम आ गए हो ना, सब तकलीफ खुशहाली बदल जाए। अरे मुरंगिया तय का हुआ खड़ा है, यहाँ गुरु आ गया। अरे गुरु, तेरे आवे की खुशी में तो हम सब भुलाई गए। चला गुरु घर में, चला चला कुछ रस पानी कैला। देखा मुँह कितना झुराई गई बा। अरे ससुरा, हमसे ज्यादा तो तुहार मुँह मुरझाएगा बा, करो बीमार उमार रे का बे। बिना प्राण के गुरु देह माटी हो जाते हैं, अब दवाई आ गई है ना, अब ससुर बीमारी का करिए। माई कहाँ बा? माई गुरु जब से तू परदेश गई ना, पूजा पाठ में लीन रहती, दिन रात पूजा घर में रहती,
तू सामान संभाला, हम माई से मिले जाते। माई? अरे हम माई छोटे आई गवा छोटे पाए लागी। अरे माई ई का तू रोवे लागू? बस बस चुप हो जा, हम आए गए ना अब छोटे। अरे वाह कैसे हो साहब बहादुर, तुम तो सांची में साहब बन गए भाई, मगर थोड़ा दूबर हो गए और थोड़ा थोड़ा सांवर भी है। वो क्या बात है भैया, ना ट्रेनिंग में रहना और हुआ माई तो रही ना, माई के खियाए बिना हमारे देह में लाली कहाँ से आए। चल शरारती कहीं के, हुआ चाहे एक दिन भी माई के ख्याल ना आवत हो। अच्छा चल तू बैठ, हम शरबत लेके आवत है। हाँ भाई, और सुना कैसी रही ट्रेनिंग? एकदम फर्स्ट क्लास भैया, पूरी यूनिट में हर चीज में हमारा नंबर वन रहा। अरे भाई क्या कर रहे, बेलापुर के प्रधान बड़े चौधरी के मूछ आईटे के लिए मूछ रखे के पड़े भैया। अरे हमार मूछ तो तू है, हम क्या कर मूछ रखाएंगे। अरे माई वहां रुक गई। यही देखे थे बिटवा कि कितने दिन बाद ये अंगना में खिलखिलाहट गूंजी है। छोटे को पियावा, हमारे छना है, तू पानी वानी पी, हम तनिक थोड़ा कान देखाई। हाँ माई, हाँ भौजी ना दिखाती है, और मुन्ना? भौजी गई है अपने नैहर, मुन्ना सात गवाह है, आजकल में लौट आई है। और बिब्बो कहाँ है, वो ना दिखाती है? अरे तू शरबत पी और तेरी सबकी फिक्र पड़ जाते तो का बात है माई, बिब्बो का नाम लिया तो कुछ परेशान हो गयो? अरे कुछ ना है रे, सब अपन मेकअप इहर करती है, ये जमाने ही ऐसा है। हद है गए, जेका देखा वह रामपुर में छाएबा। माई कुछ बात जरूर है तो का, हमार कसम सच सच बताओ बिब्बो कहाँ हो? बिब्बो का तो चौथी के दिन ही ओकरे बाप के साथ मई के भेज दिए रहे। चौथी के दिन ही, मगर का है? देखा बेटा ज्यादा उत्तेजित होए की जरूरत नहीं, जौन दल तोहरे बापू का गोली मारे रहा वो दल में मणिराम भी रहा। का मणिराम और डाकू? नहीं माई ई ना हो सकत, हमारे बाप का हत्यारा और खूनी मणिराम। माई तो ककरो धोखा था बाबा? ना बिटुआ ना, हमसे कोनो धोखा नहीं हुआ, वो खूनी के मुंह से कपड़ा हट गवा रहा, तब से आज तक हम ओकर शक्ल एक पल के लिए भी नहीं भूले। तो भैया वो हत्यारा का अपने दरवाजे से जिंदा कैसे जा जाए? तो का करते, एक तो अपन द्वार, ऊपर से भगवान ऐसी रिश्तेदारी में बांधी। हमारे बाप के हत्यारा के साथ हमारा कोनो रिश्ता ना है माई, और रिश्ता है भी तो साप और नौला का। बहुत जी लाल मणिराम। छोटे छोटे रुक जा, रुक जा बिटुआ रुक जा। अरे छोटे, बड़े ओ बड़े। अरे छोटे का रोक, वो रामपुर जाते हैं मणिराम के मारे के खातिर। छोटे के कैसे मालूम बाबा भाई? अरे बिटुआ सब कसम रखा है कि पूछ ली। बहुत गलत हुई बाबा। छोटे 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 बुलंगिया जी निकाल। हाँ जी मालिक। अरे बड़े बहू का बात है काका, बड़े परेशान लगत हो, सब ठीक तो बा? ठीक कहा बाबा हूँ, छोटे ट्रेनिंग से आ गया और जैसे होके पता चला कि छोटी बहू के बाबूजी चौधरी जी के खूनी है, वो बंदूक लेके दौड़ा दौड़ा गवा, और अब बड़े मालिक भी जाए बने तैयार हुआ। ये तो अनर्थ हो जाए काका, मणिराम काका निर्दोष है। का बात कर रहा था? हाँ मणिराम काका निर्दोष है, खूनी हत्यारा तो वो देवी शरण है, जैके जाल में फंस गए, मणिराम काका जैसे देवता आदमी सजब हो गए थे। जल्दी जा और छोटे को रोका, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिंदगी भर पछताई पड़े। अगर ये बात है उषा तो तू घबरा मत, मणिराम काका के कुछ ना हुई, और वो हत्यारा देवी शरण वो काल के सूरज ना दिख सके। देवी शरण तू और यहां का चाहता हो? तोरी खामोशी मणिराम। सुना है बहुत भूखाई लगे हो? ठीक सुने हो देवी शरण, कुकुर मने से ज्यादा आगमन जाने वाला होत है, जब केहू के मरे के दिन करीब आवत है तो रोई के भौंक के आगमन के सूचना दे देते है। तोरे पाप के घड़ा भरी गया है देवी शरण, सिर्फ एक कंकर मारे के देर है, सिर्फ एक कंकर, फिर तू बतासा के तरह ऐसा गली जेबा कि ढूंढे निशान भी ना मिली। अरे वाह मेरे मिट्टी के शेर। अरे बिजना
एके तो बोले ही भी आएगा वारे। वो रामायण का कौन चपाई है रे? हाँ, कहो वीर के जब बल पावा तब सुग्रीव अखाड़े आवा। कुछ समझा रे बिस्ना? ना मालिक, समझाई दा। अरे बिस्ना, अभी बेलापुर वाले चौधरी का रिश्तेदार हुई गवाह है, इसलिए इसका जुबान बहुत लंबा हुई गवाह है। कसम काशी विश्वनाथ की, अभी का लंबा जुबान हमरा तलवा चाटेगा, अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा हमसे। अरे देखत का हो, उठा ले सारे को और बांधे का जीप में। अरे हम भी देखा था इनके बचाव के खातिर कौन आवत है। अरे देवी सरना, एक आदमी पर दर्जन भर आदमी लेके आए हो है? अगर माई का दूध पिया है तो उठाओ लाठी और हो जाए दो दो हाथ फैसला। अरे सावन से भादो दुबर ना हो तो रे है? अरे वाह, कसम काशी विश्वनाथ की, ये मणिराम की बिटिया तो बड़ी कटाही निकली। अरे ओ जबुआ, संभालो के। अरे बिजना, उठा साले मणिराम को, उठा लई का जीप में। बाबूजी, दीदी। सारी टाई टाई निकल गई, डाल दे साले। चल बेटा, बढ़ा जीप आगे। ये जा तू हमरा बाबूजी का, छोड़ दे। हम कहते ही छोड़ दे हमरा बाबूजी का। चल। दीदी, दीदी। अरे कहाँ देखा तू गांव वालों? दिक्कत है तोहरे लोगन की बर्दानगी पर। पूरा गांव जमा है और वो हराम ज्यादा 10 कुंडा लेकर हमरे बूढ़े बाप को धोखे से बेहोश करके ले जात बा। अरे तू है तोहरे लोगन की मर्दानगी पर। आज पहली बार हमका अपने बिटिया जात पर गुमान बा। अरे तोहरे जैसे मर्द से तो हम बिटिया बोली है, कम से कम अपनी आन की खातिर लड़ तो सके थे। शीला, शीला कब हुआ? शीला, शीला आंखें खोला। शीला देखा, हम तो हर आदर्श, हम आ गए शीला। तू आ गया आदर्श बाबू, मगर मगर आवे में बहुत देर कर दी। अरे ना शीला घबरा मत। अरे हम आ गए शीला, चिंता के कौनो बात नहीं, चिंता के कौनो बात नहीं। आवा, आवा, आवा। अरे ओ जबुआ, बांध दे मणिराम को ये पेड़ के नीचे। इला मालिक। ससुरा के मुंह पर पानी और एकरा के हौज मिला। का मणिराम भाई, अब सुनावा का हाल है? सच्चाई का नशा कुछ ढीला हुआ कि ना, कि जुत्तम लात शुरू किया जाए? अरे कलत्तम जुत्तम करवे देवी शरण, 10 आदमी मिलके एक आदमी के रसरी से बांध दिए हो तो बड़ा जुआ मर्जी किए हो। कायर कहीं का, एक बाप की औलाद है तो खोल दे रसरी और उठाओ लाठी, फिर देख लत्तम जुत्तम कैसे होता है। तो रही अरमान अब पूरा ना हो सके मणिरमवा, देवी शरण सिंह अपने साथ गद्दारी करण बालन के
शेर का मौत नहीं कुत्ता के मौत मारत है। अभी तक तू कुत्ता के मौत सुना हो पर आज देखे का भी मौका मिल जाए। बड़ा गुमान रहा ना तो के बड़े चौधरी पर बुला ले उका कहां तो रे बड़े चौधरी। हम जिंदा रही या मरी जाए देवी शरण तोहर चौधरी साहब से मिले के अरमान जरूर पूरा होई और वो मुलाकात तोरे मौत के घड़ी होई। देवी शरण तोरे सांस गिनी जा चुकी है हत्यारे। अपनी खोरी तो कुकुर भी बरिहार होते मनीराम। अगर बड़े चौधरी के भी मौत आई है तो वो भी यहां जरूर आए। हाँ आदर्श, आज हम बाबूजी के लड़का बन के पैदा भई हुई तो देखती कि देवी शरण अपने गुंडन के बल पे हमरा बाबूजी के उठा के कैसे ले जाते। शीला, दामाद भी बेटा होता है। कसम माँ जगदम्बे की, अगर बाबूजी के कुछ होई गवा तो हम देवी शरण के जिंदा ना छोड़ा। मणिराम सिंह बाहर निकल आता रे बहुत जी रहे। हम तो मौत बनकर अपने बाप को बदला ले आए ही। खूनी कहीं के बाहर निकल। अरे इतने छोटे की आवाज है। अब हमरे क्रोध से तो क्यों ना बचा सका। तू लोग यहीं रुक, हम जाते हैं। हम देख रहे घबरा के कोनो बात नहीं बा। निकल बाहर हत्यारे। अरे राम वो ऐसा ना हमारे सिवा केहू के बात ना सुनी नहीं तो घर में आग लगा दे। तू चिंता मत करा, तू बाहर निकला था कि हम आए अंदर। बाबूजी धोखे में देवी शरण के साथ चला गवा रहा। बाबूजी की सच्चाई के पता नहीं रहा और जब देवी शरण अपन पोल खुलत देख ले तब बाबूजी को उठा के ले गई ले। बाकी चला एक से भले दो, अब देरी मत करा। आप चला हवा मालिक, बड़े चौधरी बंदूक लेकर गुस्से में कहीं जाते हुए। अच्छा ये बात बा, चला। खुश रहा चीला जी, यहाँ छोटे आए रहा। हाँ उनका साड़ू भाई भी आए रहन। आदर्श भी आए हैं। हाँ दोनों जन बाबूजी के बचावे के खातिर देवी शरण के अड्डा पे गए हैं। पता नहीं राक्षस हमरे बाबूजी के का हाल करत होई। अगर बाबूजी चौथी के दिन ही सच्चाई बता दिए होते ना तो अब तक देवी शरण के नाम निशान मिट गए होते। बाबूजी भले ही निर्दोष हो मगर एक पापे के साथ देवे का पाप तो उनका साथ है ही। पर हमसे अनजाने में जो पाप हुआ ना ओके प्रायश्चित देवी शरण के खून से करे गवाह। देवी शरण जैसे रावण के मारे के खातिर छोटे और आदर्श जैसे लक्ष्मण और हनुमान के ना राम के जरूरत बा। राम के भैया हम लोग चला। अरे वो मर्दन की लड़ाई में तू लोग ठीक है चला। अरे चला जल्दी। बरकटवा जगवा पोजीशन ले ले और घेर ले इनका, एक और बचकर जाने ना पाए।
राजा। तोरा छुपा छुपी का खेल अब खत्म हो गवा है। आव तो बाहर या मार दे गोली तेरे छोटे चौधरी को। रुक जा देवी शरण, हमारा था। आवा आवा आवा, आई जा आई जा आई जा, यही कतार में खड़ा हो जा। लागत है सबके जवानी में ही मरे का शौक चराया है। कसम काशी विश्वनाथ की, कहावत जरूर बहुत पुरानी है मगर 16 आने खरी है कि नादान के दोस्ती से थानेदार की दुश्मनी भली। वाह क्या बात है, दोस्ती होए तो तोरे दोनों के जैसन होए। अरे हम तो मनी राम से दोस्ती कह के आपे पांव पर कुल्हाड़ी मार बैठे। अरे गद्दार निकला ससुरा गद्दार। आ थू, बंद है उन दोनों सालन को यहां। कसम काशी विश्वनाथ की, अरे झको तनिक आराम से धक्का दे। ईएसपी साहब के अलावा हमारे गांव के जमाई बाबू भी हैं। कबार फूटे तो चली मगर पांव ना टूटे, क्योंकि सारा गांव इनका पांव पूजत बा। लखोर के लाते मीट लगा था देवी शरण, अगर अपने बाप की औलाद है तो खोल दे हमारे हाथ। माई कसम तन से प्राण निकले के पहले तय ये हाथ के भी पूजे लग बे। अच्छा बहुत घमंड है तो क्या अपने हाथ पर, तोड़ दे का हाथ। कितना हाथ तोड़बे देवी शरण, यहाँ छोटे चौधरी के ना कानून के बा। ई कानूनी बाबू कौन है मनन रमुआ? ई गांव में यो पांव पुजाइल बा देवी शरण, और रिश्ता में तो हम तोहार दमाद लगत। बाकी परिचय तो तनी हाथ खोल दो करा बाद हम बताए। कसम काशी विश्वनाथ की, विश्वनाथ ई मनन रमुआ तो बड़ा ही तकदीर वाला निकला। हितनाथ साथ लेके मरे के आई बा ससुरा। अरे देवी सरना, इस तू अस किराए के टठोन पे मत उछर। तोरे पहले भी संसार रहा और तोरे बाद भी संसार रही। तोरे जैसन आदमी जब जब रावण दुर्योधन और कंस बन के पैदा भयन, तब तभी धरती पर भगवान के कौन न कौन रूप में अवतार भवा और लोग कुत्ता के मौत मारा गए। देवी सरना हम रही ना रही मगर तुहु जिंदा ना रहबे। तोहर बाप बड़े चौधरी जिंदा है रे। तोरा बड़ा चौधरी का परशुराम होगा वा है रे मने रमुआ। बुला ले उका भी, हम उका बात जो उठाई। आज जा तो ससुर का टुकड़ा टुकड़ा करके यहाँ गड्ढा में गड़वाई दे। बिजना खत्म कर दे। हम आए गए देवी शरण। ना देवी शरणा, आज तो हमारे खातिर हम सब इकट्ठा हुए हैं। मौत तो सामने खड़ी है, ऐसे बच के अब तू कहूं ना जा सकता।
काशी विश्वनाथ के। मुबारक हो बड़े चौधरी, तोहरे बाप के बदला पूरा होई गवा। बड़े मालिक, आज हमरे मन का मुराद पूरी हो गई। छोटे, अरे तो यही बात तो बोला, पहला मैं ये लो मजा।